नागपूरच्या जामठा स्टेडियमवर आज 23 सप्टेंबर रोजी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया T20 मॅच होणार आहे. काल प्रॅक्टिस दरम्यान पावसाच्या काही सरी कोसळल्या. आजही नागपूर शहराच्या आसपास पाऊस होण्याची स्थिती असल्याचे प्रादेशिक हवामान खात्याने सांगितले आहे. काल शहरातील मुसळधार पावसामुळे T20 सामन्यासाठी सुरू असलेला सराव थांबवावा लागला. ऑस्ट्रेलिया संघाला 1-4 ही वेळ सरावासाठी देण्यात आली होती, तर भारतीय संघाला 5-8 ही वेळ देण्यात आली होती. सकाळपासूनच विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या जामठा स्टेडियमवर पाऊस असल्याने स्टेडियमच्या कर्मचाऱ्यांना ग्राउंड झाकून ठेवावे लागले. शेवटी दोन्ही संघाचे सराव थांबवण्यात आले. अभी एक कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के आसपास में है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास, और वो आगे बढ़ रहा है और वो पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर में 23 तारीख को स्थित रहेगा. तो उसके असर से जो है नागपुर और उसके आसपास में दिन भर बदली रहेगी और हल्की बारिश हो सकती है. हैवी रेनफॉल की भी चांसेस अभी काफ़ी कम है क्योंकि सिस्टम थोड़ा आगे निकल रहा है, लेकिन बारिश की संभावना रहेगी. तो 23 तारीख को बदली और बारिश वाला मौसम रहेगा, 24 से मौसम खुलेगा. क्योंकि 23 को नागपुर में मैच है, तो ये क्या दरमियान बरसात हो सकती है और किस स्वरूप में हो सकती है? मैच के समय, शाम के समय चूँकि ये मैच है, तो शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होती है और मॉडल्स भी दिखा रहे हैं कि शाम के समय में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की पॉसिबिलिटी है. तो बारिश होगी लेकिन बहुत हैवी रेन की पॉसिबिलिटी नहीं है. शावर्स या लाइट रेन की पॉसिबिलिटी रहेगी मैच के आसपास. आने वाले कुछ दिनों का फोरकास्ट कर पाए तो? अभी जो कम दबाव का क्षेत्र है उससे आज और कल दो दिन विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है. कहीं कहीं पे नागपुर जिले में भी आज और कल दो दिन का जो है, मतलब 21 और 22 को येलो अलर्ट दिया गया है. 23 से थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, लाइट से मॉडरेट रेन रहेगा. 24 के बाद में बारिश जो है काफ़ी कम हो जाएगी और कुछ स्थानों पे हल्की बारिश रहेगी 24-25 को. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.